फुट टॉक विद शरण पर आप सबका स्वागत है। होली है तो ठंडाई तो बनाना ही है, और अगर आप ठंडाई आसानी से घर पे बना सकते हैं तो इसका मसाला खरीदने की क्या जरूरत है। तो आज मैं दिखा रही हूँ ठंडाई मसाला कैसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और कैसे ये ठंडाई का दूध आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसका रेसिपी। पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। ठंडाई बनाने के लिए पहले ही हमें इसका मसाला तैयार करना है, तो पहले वो तैयार कर लेते हैं। ठंडाई मसाले के लिए अपने मिक्सी जार में थोड़े बादाम, काजू, खरबूजे के बीज या मेलन सीड्स, सौंफ, खसखस, थोड़ी काली मिर्च, 7-8 इलायची, थोड़े ड्राइड रोज पेटल्स और थोड़ा केसर, ये सब डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए। अब ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा देर अपना मिक्सी ना चलाएं, नहीं तो आपके काजू और बादाम में से तेल निकलने लगेगा और ये वो पाउडर जैसा हमें चाहिए वैसे नहीं मिलेगा। ठंडाई मसाला हमारा रेडी है। इसको आप एक ग्लास बॉटल या किसी भी एयरटाइट जार में बंद करके रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो ठंडाई बनाने का आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला आप कुछ भी डेजर्ट्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ठंडाई फिरनी जो उसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। ठंडाई बनाने के लिए हमें 2 कप दूध चाहिए। इसको आप पहले ज़रा उबाल लीजिए और अब इसमें डालिए ठंडाई का मसाला और चीनी। इसको 3-4 मिनट और अच्छे से उबाल लीजिए ताकि आपका दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो तैयार है ठंडाई। इसको सर्व करते वक्त आप ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स या केसर डाल के भी सर्व कर सकते हैं।